एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन थंब क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, साइलोटम का रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने स्पोर्ट्स डेवलप किए थे। जब स्पोर्ट डेवलप हो जाते हैं साइलोटम के, तो ये स्पोर का स्फुटन होता है, यानी ये बाहर निकलते हैं बीजाणुधानी से, और बीजाणुधानी से बाहर निकलने के बाद ये जल अवशोषित करते हैं, और जल अवशोषित करने के बाद ये अंकुरित होते हैं। इसमें करीब 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये जल अवशोषण के बाद ये स्पोर्ट्स थोड़े से फूल जाते हैं, और फूलने के बाद ये फटते हैं, और फटने के बाद ही इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तो ये पूरी कहानी होती है आपके स्पोरोफिटिक प्लांट के बारे में। अब बात करते हैं हम गैमेटोफाइट का, यानी युग्मोद्भिद पादप। अब जब स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद पादप से स्पोर्स निकल चुके हैं, तो ये स्पोर बनाएंगे आपके गैमेटोफाइट प्लांट को, यानी युग्मोद्भिद पादप को। अगर आपको ये साइकिल पूरी तरह से याद नहीं आ रही है, तो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के लिए एक वीडियो हमने तैयार की हुई है, उसको जाके देखिएगा, और जिसमें पूरी साइकिल आपको दी गई है, होमोस्पोरस की पूरी साइकिल को देखिएगा, जिसमें आपका स्पोरोफिटिक से आपका गैमेटोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक से फिर आपका स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप किया गया है, जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद पादप को। सबसे पहले इसका देख लेते हैं युग्मोद्भिद का विकास व संरचना। तो ऐसे ही स्पोरोफिटिक प्लांट से स्पोर निकल गए, स्पोर बाहर निकल चुके हैं, जल अवशोषित कर चुके हैं, और जल अवशोषण के बाद उन्होंने स्फुटन उनका स्टार्ट हो गया। तो ये रहा आपका स्पोर रहा। स्पोर में बाह्य चोल फट जाता है, यानी ये जर्मिनेटिंग स्पोर है, यानी अंकुरित बीजाणु है, अंकुरण इसका स्टार्ट होने वाला है, जल अवशोषण कर लिया है। जल अवशोषण के बाद बाह्य चोल इसका फटेगा, और अंतः चोल जो होगा वो एक थैली नुमा रूप में बाहर की तरफ निकलेगा। तो एक संरचना बन जाती है कुछ इस तरह से, ये थैली नुमा संरचना में यहाँ से निकल जाएगा, और ये बाह्य चोल नीचे की तरफ एक वॉल को डेवलप करेगा। तो जितना भी इसमें कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य होता है, वो सारा का सारा आपका इस थैली में चला जाता है। ये थैली बनाती है आपकी आउटर सेल, ये थैली आपकी बनाती है आउटर सेल, और ये बनाता है आपका स्पोर वॉल, जो एक प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। आउटर सेल बनाती है आपकी अंतःचोल ये थैली, और स्पोर वॉल बन जाती है। अब इसमें डिवीजन होता है आउटर सेल में, आउटर सेल में एक त्रिक डिवीजन होता है, त्रिक विभाजन होता है, जिसकी वजह से हमें एक सेल मिलती है, वो होती है आपकी अपाइकल सेल या शीर्ष कोशिका, इसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ मिलती है हमें अपाइकल सेल, और फर्दर जितना भी डिवीजन होता है वो सारा का सारा आपका अपाइकल सेल में, शीर्ष कोशिका में ही किया जाता है। तो शीर्ष कोशिका में डिवीजन के बाद आपके पुंधानी डेवलप होती है, स्त्रीधानी डेवलप होती है, मूला, इन सब के साथ साथ मूलाभास या राइजोइड्स भी डेवलप होते हैं। बहुत बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि अपाइकल सेल या शीर्षित कोशिका में कुछ अनियमित या बोल सकते हैं क्षति हो जाने की वजह से कुछ त्रुटि आ जाती है, कुछ क्षति हो जाती है, नुकसान पहुंच जाता है अपाइकल सेल को, जिसकी वजह से आगे बनने वाला प्रोथैलस यानी युग्मोद्भिद आगे जो बनेगा उसकी संरचना थोड़ी सी बिगड़ जाती है, एक स्टेबल नहीं रह पाता, हल्की सी उसकी कभी कुछ कभी कुछ कभी कैसी उसकी संरचना हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक संरचना यहाँ पे बना रखी है, तो कुछ ऐसी संरचना भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ इस तरह से भी यहाँ पे एक संरचना बन सकती है, इस तरह से भी संरचना बन सकती है। तो डिपेंड करती है, क्योंकि वो क्षति हो चुकी है उसकी अपाइकल सेल की, तो उसकी वजह से किसी भी तरह का ये रूप ले पाता है। तो इसमें कुछ अनियमित आकार की हो जाती है। तो ये बनाती है बाकी अपाइकल सेल और यहाँ बेसल सेल। हमें काम है हमारी अपाइकल सेल से, शीर्षस्थ कोशिका से, और ये शीर्षस्थ कोशिका आगे डिवीजन करती है। डिवीजन करने के बाद यहाँ पे आपके मूलाभास बनते हैं, यानी राइजोइड्स, मूलाभास बन जाते हैं,
पूरी प्रोथेलस आपके पेरेन्काइमिक टिश्यू या सेल से मिलकर बनती है। पूरा ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इसमें। अंदर की तरफ एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम रहता है, यानी पुंधानी और स्त्रीधानी का डेवलपमेंट इसी प्रोथेलस में संपन्न होता है। एंथ्रीडियम पुंधानी और आर्किगोनियम स्त्रीधानी दोनों ही इसके अंदर बन जाते हैं। पूरा का पूरा पेरेन्काइमिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इसमें बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसके अंदर कवक मूल पाया जाता है या माइकोराइजल फंगस मिलती है। तो बहुत अधिकतर इसमें सेल्स जो होती है वो माइकोराइजल फंगस होता है उनके अंदर। तो ये पूरा डेवलपमेंट होता है आपके प्रोथेलस का, और इसके अंदर डेवलपमेंट होता है आपके पुंधानी और स्त्रीधानी का। तो ये पूरी प्रक्रिया रही आपके गैमेटोफाइट की, ये युग्मोद्भिद पादप के बारे में। स्पोर्ट्स होते हैं, जर्मिनेट होता है, आउटर सेल बनती है, अपाइकल सेल बनती है, अपाइकल सेल में डिवीजन होता है जिसे मूलाभास, पुंधानी, स्त्रीधानी, माइक्रोएगल फंगस, और ये पूरा प्रोथेलस तैयार हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है आपके प्रोथेलस का, यानी युग्मोद्भिद का। आगे हम पढ़ेंगे इसके जननांगों या ऑर्गन्स के बारे में। अब वो ऑर्गन्स जो हैं वो हैं आपके एंथ्रिडियम और आर्गिगोनियम, यानी पुंधानी और स्त्रीधानी, और उनको हम सेपरेट पढ़ेंगे। उनका विकास कैसे होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उनसे आपके स्पर्म और एग कैसे डेवलप होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया रही आपके युग्मोद्भिद का विकास और उसकी संरचना के बारे में। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।